ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोट के। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है सनातन धर्म में, और संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु के इस प्रिय तिथि में जो भी व्यक्ति व्रत धारण करता है, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, संसार के समस्त भौतिक सुखों की उसको प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, भगवान विष्णु के अति प्रिय इस व्रत में क्या नियम है, इस पर संपूर्णता से एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। एकादशी व्रत की पूजा विधि किस तरीके से हमें रखनी चाहिए, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है किसी भी एकादशी व्रतधारी के लिए, वो शेयर करने जा रही हूं कि एकादशी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खाने संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, चाहे वो फल से संबंधित हो, मसालों से संबंधित हो, अनाज से संबंधित हो, और किस तरह के नियम हमें मानने चाहिए एकादशी व्रत धारण करने के बाद खाने संबंधी। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करती हूं, जो पहला नियम है एकादशी व्रतधारी के लिए खाने संबंधी, जो नियम शुरू हो जाता है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि की रात्रि काल में ऐसा कहा जाता है कि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में हमारे शरीर में एकादशी तिथि में अन्न का एक भी दाना मौजूद ना हो, ऐसा बताया गया है। दोस्तों, अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये कि एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, तो किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि वैसे तो एकादशी व्रत निराहार किया जाए, लेकिन क्योंकि ये संभव नहीं है, शरीर उतना साथ नहीं देता है, हर व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है, तो ऐसे में इस व्रत को आप फलाहार कर सकते हैं। अब फलाहार के संबंध में भी एक नियम यह है कि आप फलाहार कब करेंगे। फलाहार दोस्तों एकादशी व्रत में एक बार करने का ही विधान बताया गया है। सुबह की पूजा आराधना के बाद में आप दूध और पानी, चाय, पीने वाली चीजें, जूस, लेकिन जूस भी जो आप लेंगे वो घर में खुद से तैयार किया हुआ, बाहर का और पैक्ड जूस आपको नहीं लेना है। अब जो पांचवी वो महत्वपूर्ण चीज है, एकादशी के व्रत में आपको तेल का सेवन नहीं करना है। आप कोशिश करके किसी भी तेल का सेवन ना करें, लेकिन सरसों के तेल का सेवन तो आप भूल के ना करें। एकादशी के व्रत में आपको किसी अन्य के यहां अगर आप जाते हैं, आपको उनके यहां का भोजन नहीं ग्रहण करना है। एकादशी के व्रत में आपको किसी ने आपको कुछ दिया है भेंट स्वरूप ही, जैसे कोई हमारे घर आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, कोई ऐसी चीज फल लेकर आ गए जो हम व्रत में खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में इस तरह से दी गई कोई सामग्री नहीं खानी है। जो भी आप फल ग्रहण करेंगे वो स्वयं अपने पैसों से, अपने घर के पैसों से खरीदे हुए फल ही आप ग्रहण करेंगे। तो मुख्यता के तौर पर ये जो बातें हैं ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, एकादशी के व्रत में जैसा मैंने बताया कि फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, तो फल में हमें कौन कौन से फल हैं जो ग्रहण करने चाहिए। देखिए, वैसे तो सीजन के आप फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हमें जैसे आम, केले, अंगूर, ये सब जो फल मिल रहे हैं, सेब, संतरे, ये आप ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध से बनी हुई चीजें आप खा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि दूध आप पी सकते हैं, दूध से बनी हुई दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं, और दूध से शुद्धता से बनी हुई मिठाई भी आप खा सकते हैं। कोशिश ये करें कि बाहर की मिठाई आप ना खाएं, क्योंकि देखिए मिलावट बहुत होता है, हम समझ नहीं पाएंगे कि किस मिठाई में शुद्धता बरती गई है और कौन सा मिलावटी है, तो आप घर में तैयार की हुई शुद्ध चीजें ही इस व्रत में खाएंगे। दोस्तों देखिए, एकादशी का जो व्रत है, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी कि दशमी तिथि से ही इस व्रत की विधि और नियम जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो इसमें नियम में क्या है कि दशमी तिथि में भी आपको
तामसिक भोजन नहीं करना है, जैसे कि आप प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, इन सब चीजों का सेवन, उड़द की दाल नहीं करेंगे आप दशमी तिथि में भी, दिन में भी नहीं करेंगे। वो दिन एक तरीके से समझिए दशमी की तिथि की बात मैं करूं, आप सुबह नहा करके शुद्ध सात्विक भोजन ही करेंगे। उसके बाद जो एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी, तो एकादशी का जो व्रत होता है, ऐसा नहीं कि तिथि शुरू हुई और तिथि समाप्त हो गई रात्रि में 2 बजे तो हम 2 बजे के बाद खाना खा सकते हैं। देखिए, ऐसा किसी व्रत में नहीं है, एकादशी में तो आप ऐसा भूल कर ना करें, ये बहुत बड़ी गलती होगी। आपको एकादशी व्रत जिस दिन सूर्योदय से व्रत का संकल्प लेंगे और अगले दिन मतलब कि द्वादशी तिथि में आपको सूर्योदय होने के बाद ही एकादशी व्रत को पूर्ण करना है, उसके बाद पारायण करना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब एकादशी व्रत में जैसा मैंने बताया, द्वादशी तिथि में भी सात्विक भोजन का ही विधान है। दशमी तिथि में आप सात्विक भोजन करेंगे, एकादशी के दिन आप व्रत में हैं, और द्वादशी तिथि में पारायण करने के बाद भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब कि प्याज, लहसुन, मसूर की दाल जैसी चीजें हम नहीं खाते हैं द्वादशी तिथि में भी, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि एकादशी तिथि में आपको जो दातून होता है, हम सब भी व्रतों में कहते हैं कि आप दातून कर सकते हैं, फलों के दातून से हम दातून कर सकते हैं अपने दांतों की मुंह की सफाई, लेकिन एकादशी व्रत में इसे भी मना किया गया है। ऐसा कहा गया है कि आप 12 बार जल लेकर ही आप गार्गल कर ले, कुल्ला कर ले, और उसको ही शुद्ध माना जाएगा। तो किसी भी प्रकार से कोई भी बाहरी चीज जिसमें मिलावट की संभावना हो हमें अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए, एकादशी व्रत अगर हम कर रहे हैं तो, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फलाहार एक ही समय करना है, तो कब करना है? सुबह की पूजा आपने कर ली है, अब सुबह की पूजा के बाद में आप एक वक्त, सुबह की पूजा करने के बाद आप चाहे तो थोड़ी देर बाद ही आप दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, पानी, शरबत ले लें। बार बार खाने को, बार बार मुंह जूठा करने के लिए एकादशी व्रत के नियम में मनाही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जल ही लेना है तो आप बार बार जल लेते रहें, बार बार दूध और चाय लेते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नियम बना लें कि व्रत करने के बाद में, व्रत का संकल्प और सुबह की पूजा करने के बाद एक बार आपने ऐसा कर लिया। अब शाम की आरती के बाद में आपको फलाहार, पूर्ण रूप से आप जो भी फल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अन्न की सख्त मनाही है तो अन्न आपको नहीं लेना है। फलाहार में जैसे ठोसाहार आप लेना चाहें तो साबुदाने की खीर ले सकते हैं, मखाने की खीर ले सकते हैं, सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स में आप चाहें दूध मिलाकर खीर बना करके किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। अब बारी आती है कि क्या नमक लिया जा सकता है, तो देखिए कई लोग एकादशी के व्रत में भी सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक है, वो लेते हैं, लेकिन कई लोग नहीं लेते हैं, तो ये आपकी इच्छा पर है और स्वास्थ्य पर है। देखिए, नमक लेने की मैं सलाह तभी दूंगी जब स्वास्थ्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा हो, नमक लेने की जरूरत जरूरी है शरीर के लिए, तो आप एक समय जो रात्रि काल का जो भी आप पूरा भोजन करेंगे उसमें आप सेंधा नमक ले सकते हैं। एकादशी की तिथि में दोस्तों बाहर का खाना समझ लीजिए वर्जित ही है, बाहर की आप कोई भी चीज जैसे मिठाइयां भी बनी हुई ना खाएं, मिलावट का खतरा है। पैक्ड जूसेस आप ना लें, पैक्ड दूध आजकल आ रहे हैं वो आप ना लें, तो इस तरह की चीजें, बाहरी चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। अब बारी आती है तेल की, तो एकादशी जैसे हमने कोई हलवा बनाना है तो हम किस तेल का इस्तेमाल करें? देखिए, एकादशी के व्रत में तेल का इस्तेमाल वर्जित बताया गया है, घी का ही इस्तेमाल हमें कोशिश करके खाने में भी करना चाहिए जैसे हम पूजा में करते हैं। अब अगर हम घी नहीं ले सकते, सक्षम नहीं है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करें? तो ऐसे में आप तेल जैसे कि बादाम का तेल, जैसे कि नारियल का तेल आप ले सकते हैं, और फूलों में भी सनफ्लावर ऑयल आता है, सूरजमुखी का तेल अगर मिल जाता है तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी सरसों का तेल आपको नहीं लेना है, उसे तामसिक माना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब खाने में मसाले का इस्तेमाल व्रत में लोग करते हैं, तो कौन से मसाले का इस्तेमाल आप एकादशी में कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। एकादशी में आप सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंधा नमक के साथ में, और किसी भी मसाले का इस्तेमाल किसी भी भोजन में जो एकादशी व्रत के लिए आप तैयार कर रहे हैं उसमें आप नहीं करेंगे। अब सख्ती से
वर्जित चीजों को आप समझ लीजिए। सभी प्रकार के अनाज एकादशी व्रत में वर्जित हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, जई, उड़द की दाल, मसूर की दाल, किसी भी तरह की दाल, सभी वर्जित है। अब बात कर लेते हैं मसालों की। तो मसालों में हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग, जायफल, ये सभी मसाले वर्जित बताए गए हैं। इसके साथ साथ बेकिंग पाउडर, साधारण नमक और कुछ ऐसी चीजें जो बाजार में मिलती है मसाले के तौर पे, आपको एकादशी के खाने में भूल से भी उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन बात करें सब्जियों की, तो आपको गोभी, गाजर, पालक, जैसे गोभी हम खा लेते हैं अन्य व्रतों में उसकी खीर बनाकर, लेकिन एकादशी के व्रत में ये नहीं करना है। गाजर का हलवा भी नहीं खाना है, गाजर भी मना है, पालक नहीं खाएंगे आप, सेम, सलजम, छोले, इन सब चीजों का इस्तेमाल आपको एकादशी के व्रत में खाने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में देखिए, जो अगर भोजन तैयार करके आप खाते हैं तो उसमें आलू, सब्जियों में आप आलू खा सकते हैं। कोशिश करके आप घी में ही बनाएंगे चीजें और सिर्फ सेंधा नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोस्तों, ये तमाम जानकारियां हैं जो एकादशी व्रत में खाने से जुड़ी हुई हैं। जो भी फल खाने हैं, जो मसाले खाने हैं, जो सब्जियां खानी है, जो अनाज आप नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते, फल सब्जियां नहीं खा सकते, उसकी संपूर्णता से मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश की है। दोस्तों, एकादशी व्रत माना जाता है कि सबसे विशेष व्रत होता है और इसका महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। हम अपने जीवन में हर तरह के संकटों की मुक्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं। विशेष फल के लिए हम एकादशी व्रत करते हैं, जैसे कि पुत्रता एकादशी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए हम कर लेते हैं। कामदा एकादशी, अपनी समस्त कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए, पिशाच योनि, राक्षस योनि से मुक्ति के लिए, पाप मोचनी एकादशी हमने किया तो हमने अपने पापों की नाश के लिए किया, मोहिनी एकादशी सुख सौभाग्य के लिए करते हैं। इसी तरीके से साल की 24 और अधिक मास की 26 एकादशी व्रत अगर आती है तो हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। लेकिन जो खाने संबंधी नियम है दोस्तों, इन सभी एकादशी व्रतों में यही रहेंगे, यही मानने चाहिए। अगर इसके बाद भी भूलवश हमने मुंह में कुछ डाल लिया, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि आज मैं व्रत में थी, किसी भी व्रत की बात मैं कर रही हूं, और भूलवश हमने अन्न का दाना किसी भी तरीके से मुंह में डाल लिया, अगर आपको उसी वक्त याद आ जाता है तो बहुत अच्छा है, फौरन उसे आप थूक दें और उसके बाद अच्छे से कुल्ला करके मुंह साफ करें और भगवान के सामने जाकर क्षमा याचना कर लें कि गलती से, भूलवश आपसे ऐसा हुआ है, भगवान उसके लिए आपको माफ करें। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप फौरन जाकर क्षमा याचना कर लें। ऐसा नहीं है कि व्रत खंडित हो जाता है, आप ऐसा ना सोचें और घबराएं नहीं। और दोस्तों, अगर एकादशी व्रत में ऐसा होता है तो सबसे पहले आप सूर्य नारायण की दर्शन करें और उसके बाद भगवान विष्णु से इसी तरह से क्षमा याचना कर लें कि भूलवश आपसे ये हुआ है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत की संपूर्णता सिखाने संबंधी जानकारी अब आपके पास है। पूजा विधि का वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है। एकादशी व्रत के नियमों का बहुत महत्व है, वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, उन वीडियोस को भी जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए। किसी भी अन्य तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे जरूर पूछें। चैनल पर अगर नए आए हैं, इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।